पेट आने आ रहा है, डिलीट करो शहंशाह। एक एक बच्चा पैदा होने वाला तुम्हारा कारावास की सजा काटेगा। भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की लेटेस्ट वीडियो में। आज हम कैंपिंग करने जा रहे हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। लोकेशन है कंडा घाट से, जब आप शिमला की तरफ जाते हो तो कंडा घाट आता है। कंडा घाट से राइट मुड़कर आप चहल रोड पर चले जाइए और चहल पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले लेफ्ट साइड पर एक पहाड़ी पर आपको एक लोकेशन मिलेगी। इस लोकेशन में हम प्रॉपर आज कैंपिंग करने आए हैं। बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है, बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है। आप सब भी आके इस लोकेशन पर कैंपिंग कर सकते हैं। हम अपना सारा सामान साथ में लेकर आए हैं, कुकिंग हम यहीं पे करने वाले हैं, एग करी बनाने वाले हैं, मिक्स वेज बनाने वाले हैं, पनीर बनाने वाले हैं, साथ में हम फ्राइड राइस बनाएंगे या वेज बिरयानी बनाएंगे, विच इज़ अभी हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद स्नैक्स में हम एग भुर्जी बनाएंगे और बाकी नमकीन शिम सार लेके आए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और सारी ड्रिंक्स हम साथ में लेकर आए हैं जिनको हम शाम को एंजॉय करेंगे। बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है, क्या व्यू है, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। अभी मैं आपको, अभी हम पूरा टेंट का सेटअप करने वाले हैं तो प्रॉपर टेंट का सेटअप करते हुए आपको मैं दिखाऊंगा कि हम किस तरह से टेंट का सेटअप कर रहे हैं। प्रॉपर टेंट के सेटअप करने के बाद भाई तीन टेंट हम अपने बिछाने वाले हैं, तीनों टेंट का एक पहाड़ी के ऊपर हम सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे और आज रात हम इस पहाड़ी पर 5 लोग स्पेंड करने वाले हैं। भाई 5 लोग पूरी पहाड़ी पर अकेले स्पेंड करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। वीडियो को अच्छी लगे तो इसे लाइक करके जाइएगा, नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं लोकेशन की तरफ। भाई सॉल्यूशन ऑफ टेंट, हथौड़ा लेके कुंडियों को इस तरह भी ठोका जाता है ताकि टेंट प्रॉपर बिछ जाए। भाई वीडियो तो बन गई, अब भाभी वीडियो तो बन गई है, आपने प्रॉपर, और पीछे वो भी रखा है खुरपा। ये भाई साहब अपनी वीडियो में मस्त है और पीछे ये डॉग का बड़ा स्वीट सा। यहाँ पे अभी हमारे बिच्छू का है पहला टेंट और ये दूसरा टेंट और वो तीसरा टेंट, वहाँ एक डॉग भी सो रहा है। यहाँ पे भी किले लगानी इधर, इसमें हाथ लगा के इसमें खींच के लगा देना इसको, है ना, और वहाँ पे ऊपर उठा हुआ है पर टेंट भी लगाना ना, एक है तो महाभारत ही। टेंट लगाने का अनुभव ऐसा आ रहा है जैसे कि कोई अपना घर बना रहा है। मैं करूँ? मिट्टी जहाँ पे लूज है ना कहीं और फिर देखना। क्या कह रहे हो, मिट्टी लूज निकल आता है ना कील, तो आप मतलब उनको बता रहे हो टेंट कैसे लगाना है? तो वो तो पता चल जाता है लूज, मतलब पहले कर लगाया वहाँ पे क्या मैं निकल गए वहाँ से तब उसको दोबारा बंद किया है। समझ आ गई? बड़ा पा गया बाप में। अरे उबल रहे हैं अभी पेट्रोल मैक्स पे और कुकर में अंडे, अंडों की हम पूरी ट्रे इस बॉक्स में भर के लेके आए थे, साथ में हम नैपकिन सोडा दूध सारा जो सामान, साथ में मैगी जो कैंपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में हमने बर्फ डाल के अपना एक आइस का कंपार्टमेंट बर्फ से अभी भी है ताकि पानी हमारा ठंडा रहे, और साथ में हमारा पानी का इंतजाम ब्रेड हो, साथ में अभी हमारा राइस टाउ साहब हमारे राइस ले आए हैं। टाउ साहब क्या क्या है उसमें? और राइस है, पनीर है, राइस है, पनीर है, और उसके अंदर हमारे पास अंडे हैं। अंडे हाँ बिल्कुल है। तो आज हमारा मतलब रात का खाना क्या होगा इस कैंपिंग में? पनीर है, पनीर बनेगा, पनीर के पनीर दो प्याजा, पनीर दो प्याजा, क्या बात है, एक करी और वेज पुलाव, ठीक है, और स्नैक्स में हम अंडे की भुर्जी, ठीक है, सैलड है, ठीक है, पीने का खाना है, साथ में नींबू का अचार लग रहा है मुझे, आए हाय क्या अचार के पूरे शौकीन हो, और साथ में ये महाराज जॉय ये अंडे खाए खा के ही जाएगा मुझे लग रहा है। ये हम ब्रेड अंडा, बाकी हमने ब्रेड अंडा बनाएंगे सुबह, ब्रेड सुबह बनाएंगे। भाई कैंपिंग में जब तक सबका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो कैंपिंग हो नहीं पाती है। ये सब अपने अपने एक्सपेरिमेंट एक्सपर्टीज एक दूसरे को बता रहे हैं कि हमारी एक्सपर्टीज ये है, हमारा एक्सपेरिमेंट ये है, अंडे इस तरह उबलेंगे, कुकर में अंडे किस तरह उबालने, भाई अभी सभी एक्सपर्टीज ही चल रही हैं और यही अभी चल रहा है। बाकी व्यू बहुत अल्टीमेट है, इससे बढ़िया व्यू नहीं हो सकता यार। मेरी भी कंफर्टेबल दिन में गर्मी थी बट इस टाइम पे ठंडी हवा ने आके सब खत्म कर दिया है और रात की कैंपिंग हमारी आज
ये पूरा एपिसोड कैंपिंग होने वाला है। देखो डाइनिंग टेबल हम उसको बनाएंगे ना, अल्टीमेट वाली। भाई हमारे प्याज कट चुके हैं अभी ठाकुर साहब, प्याज के साथ हम मतलब अभी क्या करेंगे, मैकरी क्या करेंगे? पहले हम बनाएंगे प्याज पनीर, दो प्याजा, एक प्याजा से काम नहीं चल रहा था, दो प्याजे बनाएंगे। उसके बाद बनाएंगे हम एक करी, अच्छा उसके बाद हम बनाएंगे पुलाव। और ये भाई साहब अभी तक इंतजार कर रहे हैं, और जब भाई बात करते हैं ये मुँह में टिड्डा कर लेते हैं, जैसे इनको सारी बात समझ में आ रही है, मुझे डर कर लेंगे। चॉपिंग चॉपिंग पैड के ना, पर है बड़ा क्यूट, बड़ा प्यारा है। चॉपिंग पैड के लिए देखो कितना चला खड़े हो, देखो मेरे पीछे है, चल यार। और बड़ा प्यारा है बड़ा स्वीट है भाई, पूरा एंजॉय, पूरा एंजॉय कर रहा है ये भी। अभी हमने गाने वाने चला रखे थे, रात को फिर हम बॉनफायर करेंगे और गाने वाने पूरे चलाएंगे। अभी हम पूरा जब से हम यहाँ पे पहुंचे हैं तब से हम खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं कि हमारा खाने का अरेंजमेंट पूरा हो जाए, ताकि हम बाद में हमें रात जब यहाँ रात हो तो हम खाने वाने में इन चीज़ों में परेशान ना हो, बस वो हम कर रहे हैं। अभी साथ में अभी हद आते हैं खाने में, टमाटर काटना जो भी काटना वो काटते हैं, उसके बाद फिर हम तब तक मैं आपको ना टाइम लैप्स दिखाता हूँ, आप टाइम लैप्स देखो हमारा, ये सारा कुछ अरेंजमेंट जो अभी हम कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं उस सबका आपको प्रॉपर टाइम लैप्स दिखा रहा हूँ, पूरा टाइम लैप्स आप एंजॉय करो। हमारा फूड वहां पे हो रहा है तैयार, और यहाँ हमने लगा रही है अपनी टेबल, यहाँ हम बैठने वाले हैं और यहाँ पे अपन एंजॉय करेंगे हमारा फूड। हमने बुला लिए हैं बाहर से लोग जो यहाँ पे खाना लगवाएंगे, साथ में मेरी ड्यूटी भी है थोड़ी सी, ये बाहर से लोग आए हुए हैं यहाँ खाना लगाने के लिए, ये आ रहे हैं देखो चल के, ये बाहर से आए हुए हैं, ये यहाँ पे सामान रखेंगे, साथ में जो जो फूड बनता है वो रखेंगे, और यहीं पे बैठ के आज हम रात को अपना रंगारंग कार्यक्रम को अंजाम देने वाले हैं। भाई फाइनली हमारा पूरा स्नैक्स वाला आइटम तैयार हो गया है हमारे कैंपिंग सीजन में। ये हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं, बाकी सब हमारे साथ में बैठे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, भाभी बैठी है, दूसरी भाभी बैठी है, बस बता दिया, भाभी मत बोलो ना। हमारे ये तैयार है, वैसे इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बट ये एक और सेवन बन रहा है, ये भी हानिकारक ही है, पर इसमें अलग अलग चीजें डाली गई, क्या क्या डाला इसमें? हरी मिर्च, नींबू और नमक। भाई हरी मिर्च, नींबू, नमक, अभी ये सोडे का पता नहीं डालेंगे नहीं डालेंगे, बाकी हमारा सैलेड रेडी है और बाकी सामान, तो अभी हम फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं अपने इसको, और हमारे टेंट फेंस रेडी है, लाइटें हमारी लग चुकी हैं, यहाँ पे भी लाइटें लगी हुई हैं, वो ऊपर किसी का घर या कोई होटल आया रोड पता नहीं क्या है, और ये इस टाइम व्यू है, रात हो चुकी है बिल्कुल, खूब अंधेरा है, वो पहाड़ियों पर लाइट है, पूरा चांद निकला हुआ है और पहाड़ी पे पूरी रात, इस पे हम कैंपिंग कर रहे हैं, तीन कैंप हमारे बिछे हुए हैं, इसी में हम सोएंगे सारी रात, और फिलहाल एंजॉय करेंगे। लालटेन हमने साथ रखी हुई है ताकि भाई हमें लाइट की जरूरत पड़े तो हम इससे यूज कर लें, है ना। और ठाकुर साहब, भाई ठाकुर साहब ने बनाया है हमारे लिए पनीर, एकरी और अभी वेज पुलाव बन रहे हैं वहां पे। भाई थैंक यू सो मच ठाकुर साहब, मजा आ गया, कैंपिंग का पहला एक्सपीरियंस है ना आपका? नहीं वैसे मैंने एनसीसी में किया है, लेकिन आप लोग के साथ पहला है। चलो एनसीसी में काफी साल पहले किया होगा, आप तो बड़े साल हो गए ना, 15-20 साल, हाँ 15-20 साल हो गए एनसीसी को किए हुए भी, तो फाइनली अभी हम जवानी में गए थे, एंजॉय करते हैं, और हम जवान हो गए, पहले हम बचपन थे अब जवान हो गए हैं, अब दोबारा इनको वही शौक आ गया है इस उम्र में आके। चस्का बुरा है राजा, चस्का बुरा है। हमारा रंगारंग कार्यक्रम इस टाइम पूरा एंजॉयमेंट पे है, फुल एंजॉयमेंट, और ये देखो ये बनाने वाले रंगारंग कार्यक्रम को ये एंजॉय कर रहे हैं, इनको प्रेशर आया हुआ है, नहीं नहीं तो जा नहीं रहे, बाकी हमारा रंग, बाकी हमारी लाइटें फाइटें पूरी मस्त वाली, रंगारंग कार्यक्रम फुल एंजॉय, और वी आर एंजॉयिंग अ लॉट, है ना, अभी इसको कर रहे हैं एंजॉय। और जब हम अभी टेंट में जाएंगे सोने तो मिले, यहाँ पे तेंदुए वगैरह बहुत है, तो तेंदुए वगैरह की बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत है, और अभी टाइम हुआ है, अभी देखो
849 ये बहुत है, तो देखते हैं अभी वो कमरे में। थैंक यू एंजॉय। बहुत मजा आएगा जब यहाँ खूनों खून करूंगा मैं। सबको मार दूंगा, मारने के बाद मैं शहंशाह बन जाऊंगा। शहंशाह शहंशाह। क्या लगता है तुम्हें हमारे फैसले का तुम इंतजार कर रहे हो? हम तुम्हारे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला देंगे। तुम साले होते कौन हो भैंस की आंख तुम्हारी, हमारे फैसले का बहिष्कार करने वाले? तुम्हें पता नहीं है हम अगर चाहें तो तुम्हारे खानदान को 100 साल के लिए अभी के अभी कारावास में डाल सकते हैं। एक एक बच्चा पैदा होने वाला तुम्हारा कारावास की सजा काटेगा, बता रहे हैं तुम्हें। सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे 2 दिन दे रहे हैं तुम्हें, दूसरे दिन तुम्हारी गर्दन तड़जलक कर दी जाएगी। सुन लो सब, अगर इस इंसान का 2 दिन के अंदर हमारा किया हुआ काम पूरा नहीं किया गया, इसकी गर्दन दर से अलग कर दी जाएगी सारे समाज के सामने। अल्टीमेट वाला जो सीन जिसे कहते हैं ना मजेदार, वो आज हम अपने एंजॉय कर लिया। अब फिलहाल हमने अपना सामान समेट रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई तेंदुआ या ऐसा कोई जानवर ना आ जाए जो मतलब सामान खराब करते। सो हम सामान को समेट रहे हैं और फिर आराम से अब सोने चलेंगे। जो बस इसको लाइट हमने लगा ली है टेंट के अंदर, बस अब आ गए। अब हम फाइनली फाइनली टेंट को बंद कर रहे हैं और सोने की तैयारी कर रहे हैं। हम लाइट यहाँ पे हमारी पापा लगी हुई है, बाकी अभी हम टेंट को बंद करके कोई कीड़े वड़ा ना आ जाए। तो पहले सबसे पहले बाहर का जो हमारा सबसे पहले बाहर का जो टेंट है उसको बंद करेंगे, जो टेंट का सूर है। सबसे पहले बाहर का बंद करो, देन अंदर का बंद करो, है ना। तो हम ये फाइनल कंबल है तुम्हारे पास है, बस ठीक है। बहुत है तो हमने ये भी 2-4 बच्चे पता किए हमने कंबल के 2-4 बंदे तो हमने फाइनली इसको बंद कर दिया। अब टेंट हमारा बंद है, लाइट हमारी यहाँ पे जल रही है और अभी हम ये हमने क्या रखा हुआ है, नेपाली खुखरी, नेपाल के महाराजा रखी हुई है, नेपाल के महाराजा की खुखरी, नेपाल के जो महाराजा थे उनकी खुखरी हमारे पास है। तो फाइनली हम इस टेंट में लेते हैं। और ठाकुर साहब अगर आपको लगे कि कहीं भी सांस वगैरह में कोई भी आपको चाहिए तो ये है, खोल लेंगे इसको, आप खोल सकते तो हवा बड़ी अच्छी नहीं आएगी। यहाँ पे हमारे पास भी है ना, बाकी कैसे दिक्कत आने वाली है नहीं क्योंकि हमें तो एक्सपीरियंस है ना। ठाकुर साहब आपके पास मतलब एक और कंबल है ही है ना, तो फोन पे लग गए उस टाइम। तो ठाकुर साहब फाइनली कैसा रहा आनंद? थैंक्स टू तेजविंदर सिंह, इनकी वजह से हमारे सारे ट्रिप जो है वो इतने बढ़िया रहते हैं एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद हिम। एक तो बंदे बहुत जॉली हैं ये, सेकेंडली इनका जो ड्राइविंग सेंस है इट इज़ मार्वलस, थर्डली जो इनकी लोकेशन होती है वो लोकेशन जो है ये हम पहले किसी को भी ले जाने से पहले उस लोकेशन को सर्च करते हैं, रीड आउट करते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और ही इज़ वेरी केयरिंग, वेरी सपोर्टिव और जो है ये हर चीज़ का अपने ऊपर कंधों पर लेते हैं कि कोई भी कैंप सक्सेसफुल हो तो उसके लिए श्रेय इनको जाता है एंड ही इज वेरी गुड पर्सन। तो फिलहाल अभी हम सोते हैं दोस्तों और बस देखो आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी जाती है, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। ये मोटिवेशन है, वीडियो में आके एक मोटिवेशन मिलती है ना, वो आप लोग जरूर दिया करें। तो फिलहाल अभी हम लेट रहे हैं, सो रहे हैं और सुबह हम आपसे मुलाकात करेंगे। और सुबह मुझे लगता है कि बहुत ही मनमोहक दृश्य के साथ हमारा होगा क्योंकि जो लोकेशन है बहुत सीरियसली बहुत अल्टीमेट है, बहुत अल्टीमेट है, हमें तो बहुत मजा आ गया। करेक्ट है ना, बहुत मजा आया। तो दोस्तों गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे सुबह। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।
फ्रॉम ब्यूटीफुल लोकेशन। वाह लवली लोकेशन, सो सो गुड मॉर्निंग। ये देखो जी, पहाड़ों पे दो दुश्मन आमने सामने की लड़ाई का इंतजार करते हुए, लेकिन जॉय वापस मुड़ गया है थोड़ा सा एक्शन दिखाने के बाद, पर दूसरा आराम से खड़ा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जॉय कह रहा है कि मेरे इलाके में तू कहाँ से आ गया भाई, बस अभी इनका ऐसे चलेगा। हल्का गुल गुल, बाकी सब खत्म। बैठ खा रहा बड़े प्यार से सुबह सुबह भाई। सुबह सुबह हमारे नाश्ते की शुरुआत हो चुकी है ब्रेड आमलेट से। ये बन रहा है, बना हुआ ब्रेड आमलेट। ये हमने कहा हम तो प्याज वाला आएंगे तो हमारे लिए भी प्याज काट रहे, तो प्याज वाला काटेंगे। बाकी एक टेंट हम क्लोज कर चुके हैं, दो टेंट हम क्लोज कर चुके हैं, तीसरा टेंट अभी हम क्लोज करेंगे कगार पे। उसके बाद हम टेंट क्लोज करने के बाद पूरे प्रॉपर सारी सेटिंग करने के बाद चाय बन रही है, तो चाय अभी हम पियेंगे। पीने के बाद धूप में सेम हम यहाँ से इस पहाड़ी से ऐसे नीचे उतरेंगे, हमारी गाड़ी नीचे खड़ी है, और फिर हम सीधा चंडीगढ़ तरफ कूच कर देंगे। तो फाइनली अभी नाश्ता करते हैं ब्रेड आमलेट का, अंडे, प्याज, हरी मिर्च, बावर्ची और हमारा बनाने का सामान। बहुत प्यारा मौसम है, सुबह उठते ही मजा आ गया। ये साथ में इसने साई रात हमारा साथ सोचा, छोड़ा साई रात ही हमारे पास ही है किसी का, गले में इसके फटा भी है। बाकी बहुत मजेदार था। अभी सुबह सुबह मैंने योगा की है और वाह जी वाह, अल्टीमेट वेदर, अल्टीमेट लोकेशन, वाह जी वाह। जल्दी बनाओ यार, क्या कर रहे हो? ग्राइंडर डाल के कर दू बटर वाला खाओगे किसी खाओगे तेल वाला? ना मैं तेल वाला ही खाऊंगा, बटर वाला आप ही खाओ। I don't like butter one. जल्दी बनाओ यार, वो तरीका थोड़ी है। तभी बैठ जाऊं? तू तो चूना सीज जाएंगे आपके भाई साहब, बैठ वही बन जाएगी। तो प्याज लो प्याज, हाँ शाबाश, चलो बढ़िया। भाई अभी आपने जो ये वीडियो देखी कैंपिंग की हमारी, ये हमारे तो चैल जैडू नेस्ट इन पीस, जैडू नेस्ट इन पीस है ना जगह का नाम है। पहाड़ी चहल जाते हैं चहल से 2-2.5 किलोमीटर पहले ही लेफ्ट साइड में पहाड़ी है, और बहुत ही अल्टीमेट व्यू है ना। व्यू अभी आप देख रहे होंगे, बहुत ही जबरदस्त व्यू है इस पहाड़ी पे, बस थोड़ा चढ़ के आना होता है। और ऐसा कुछ जो ही नहीं, अगर आपका सामान वान भी है तो दे कैन हेल्प यू है ना टू रीच इस पहाड़ी पे आने के लिए सामान वगैरह के साथ भी। बाकी कोशिश ये करिए कि कम से कम सामान लेके आइए। बाकी बहुत ही प्यारी लोकेशन है, वॉशरूम एक्सेस यहाँ पे है, पानी वानी की व्यवस्था है, खाने वाने की व्यवस्था है, चाय वाय की व्यवस्था, सब चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी और भी चीज़ें हैं जो है, और बड़ा पीस एनवायरनमेंट है। रात को, दिन में थोड़ा सा है अभी धूप है क्योंकि अभी इस टाइम जून जुलाई का महीना है तो गर्मी है, बाकी रात को बहुत ही ठंडा मौसम है, हमें तो रात को पूरी ठंड लगी। तो जिनका ये है, जिनका ये अरेंजमेंट है कैंपिंग का पूरा साइट है, अब हम उनसे मिलवाने वाले हैं। भैया से आपको मिलवाते हैं, भैया बताइए अपने, नमस्ते, बताइए आपकी थोड़ी सी जगह के बारे में, और इस पर कैसे पहुँचे लोग और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं जगह को, आस पास क्या है। आप सबको नमस्ते, मेरा नाम अभय है, और ये जगह चायल से 2 किलोमीटर पहले मिहानी गांव में पड़ती है, जनादू नेस्ट इन पीस। यहाँ एक संन्यास आश्रम है, संन्यास आश्रम के पास गाड़ी खड़ी करके हम लोग ऊपर आते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में शांति की तलाश में है, या फिर एक गेटअवे चाह रहे हैं एक अपने रश वाली लाइफ से। सब अपनी अपनी जगहों पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम सबकी मेहनत का बढ़िया कदर करते हैं, तो ये उन्हीं के लिए जगह है जो अपनी जगहों पे मेहनत करें ताकि यहाँ के वो अच्छे से समय बिताएं और नेचर के साथ कनेक्ट फील करें। ये जगह उन लोगों के लिए नहीं है जो यहाँ पर सिर्फ पार्टी करने के लिए आए और ओवरनाइट आए, रात को पार्टी की, हुआ किया, वापसी चले गए। ये उनके लिए बिग नो है इस जगह से। बस जो नेचर के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं और कुछ समय खुद के साथ बिताना चाहते हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट गेटअवे है।
बिल्कुल भाई, लोकेशन की डिस्क्रिप्शन, फोटो सब आपको एक लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर देख सकते हो। और मोबाइल नंबर अभी नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा, मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हो। बाकी भैया मोबाइल नंबर आप भी बता दो। मेरा नंबर है 7018159417। ये नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके यहाँ पे आ सकते हो। पर आने से पहले फोन पे बात जरूर कर लेना, ऐसा ना हो यहाँ पे कोई अरेंजमेंट चल रहा हो, कोई शो चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक स्टेज बनी हुई है जिस पर कोई इनका शो या कोई अरेंजमेंट यहाँ पे होने वाला है, तो वह पूछ के बात करके जरूर आइएगा। तो हमने आपको ये वीडियो दिखाई कैंपिंग की प्रॉपर वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नए हो तो पुराने लोग भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। कैंपिंग की वीडियो हमारे साथ लगातार आती रहती है। बाकी सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।